प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई के अंदर आपके लिए कौन कौन सी राशियां अच्छी हैं और कौन कौन सा समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। और आज मैं आपको चार राशियों की जानकारी दूंगा, चार की अगले एपिसोड में दूंगा और चार की उससे अगले एपिसोड में दूंगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, Facebook पेज डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको फॉलो करें, YouTube को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई में कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे ग्रहों के, और उसके बाद आपको हम चार राशियों की जानकारी देने वाले हैं। पहला आपको बताऊं, 8 जुलाई को बुध स्वराशि को छोड़ देगा और कर्क राशि अपने कट्टर दुश्मन चंद्रमा की राशि में चला जाएगा, और फिर 25 जुलाई को सिंह राशि में जाएगा अपने मित्र की राशि में। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जिनके बुध की दशा चल रही है उनके लिए यह समय नोट करने वाला है। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको बड़ी परेशानी और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बुध अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा और गोचर में अपने दुश्मन, अपने शत्रु के घर में मूवमेंट में हैं। तो इस पीरियड में आप ध्यान रखें, किसी नए काम की शुरुआत ना करें, कोई नई चीज़ खरीदें नहीं, किसी यात्रा पर ना निकलें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी और मन में भय और फेयर ये बना रहेगा आपको। उसके बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन है, 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो अपने दुश्मन की राशि में है, और फिर 23 जुलाई को दोबारा से बकरी हो जाएंगे। इसका मतलब जिनके शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए भी 7 जुलाई से पूरा महीना जुलाई का शुक्र की दशा में परेशानी भरा रहेगा। किस तरह की परेशानी होगी? राजा के घर में शुक्र का प्रवेश, डिफेमेशन, परेशानी, टेंशन, तनाव हो सकते हैं, इसलिए इस समय को भी आपको बचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जुलाई के महीने में बुध और शुक्र, ये दो ग्रह, शुक्र पूरी जुलाई में 7 जुलाई के बाद परेशानी पैदा करेगा और बुध 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक परेशानी पैदा करेगा। महीने का स्टार्टिंग और महीने का अंत ये ठीक है, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, धन के लिए अच्छा रहेगा। 17 जुलाई को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, अपने सम की राशि से अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश होगा। सूर्य का रानी के घर में जाना एक अच्छा साइन है, लेकिन कर्क राशि के अंदर वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं माने जाते। ये तो ग्रहों की स्थिति है। अब हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि में ग्रहों की क्या पोजीशन रहने वाली है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। मेष राशि के अंदर राशि का स्वामी मंगल नीच अवस्था से निकल करके अपने मित्र राजा के घर में है, और राजा रानी के घर में चला जाएगा। तो यहां ये कहूं कि जिनके मंगल की दशा चल रही है, मंगल की अंतर दशा चल रही है, मेष राशि वालों आपके लिए बुरा वक्त निकल गया है, खुशी मनाओ आप, आपको खुश होना चाहिए, मेष राशि वालों को खुश होना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को खुश होना चाहिए, दो राशि वालों को खुश होना चाहिए। एक बहुत अच्छा योग है आपके लिए कि आपको पूरे महीने मंगल अच्छे रिजल्ट देने वाला है। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र धन और लाभ का, धन लाभ यानी पैसा
और साथ में विवाह का स्वामी शुक्र है। शुक्र महोदय अभी कर्क राशि में चलेंगे आपके और 7 जुलाई को वो सिंह राशि में आ जाएंगे और मंगल और शुक्र की युति दोबारा फिर हो जाएगी। प्रेम संबंध ये चलते रहेंगे, इनमें कोई रुकावट नहीं है, बस थोड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। बुध की बात करूंगा, बुध बुद्धादित्य राजयोग बना के बैठा हुआ था, बहुत अच्छा था आपका, तीसरे भाव के अंदर चल रहा था, लेकिन 8 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे और शुक्र 7 जुलाई को आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपको मानसिक तनाव, चौथे भाव में है, सुख साधन के घर में है, मन के ऊपर बैठे हुए, तो यहां थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगी। शनि आपको लगातार पैसा देता रहेगा, वो काफी अच्छी स्थिति में आपका। और देवगुरु की बात करूं तो देवगुरु के बारे में हम पहले बता चुके हैं, 21 जून को उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, तो इसलिए आपके लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर गुरु और मंगल का नव पंचम योग आपके लिए काफ़ी अच्छा इस जुलाई के अंदर रहेगा। तो आपके मुख्य सितारे मेष राशि वालों के लिए गुरु और मंगल रहेंगे। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके वो आ जाएगा सिंह राशि में, उसकी युति मंगल के साथ रहेगी, लविंग नेचर रहेगी, मंगली योग बना रहेगा। गुरु राहु का चांडाल दोष आपके बारंबार में रहेगा, तीर्थ यात्राएं वहां पर आपकी होती रहेंगी। धन का स्वामी बुध, वो मेहनत के घर में शत्रु के घर में चला जाएगा, धन प्राप्त करने में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ थोड़ा सा आपको टाइटनेस रहेगी। लेकिन शनिदेव आपको लगातार कैरियर में ऊंचाइयाँ देते रहेंगे, वो आपको राजयोग बना के बैठे हुए हैं, सस नाम का मापुत्र राजयोग आपको मिलेगा और शुक्र और शनि का समसप्तक योग बनेगा, मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा। केतु चोट एक्सीडेंट के घर में है तो अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल वृष राशि वालों के लिए ज़्यादा बहुत पॉजिटिव योग नहीं बन रहा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध 8 जुलाई तक जो काम करना कर रहा हो, मिथुन राशि वालों 8 जुलाई तक आपका समय बहुत अच्छा है, 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक जिन कामों को शुरू करना है कर लीजिए, और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक फिर आपके लिए तकलीफ रहेगी, फिर आपका बुध चला तो जाएगा धन भाव पर लेकिन दुश्मन के घर में जाएगा, बहुत पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। आपका जो सूर्य 17 जुलाई को धन भाव में चला जाएगा, दोनों सूर्य बुध का बुद्धादित्य राजयोग वहाँ पर बनेगा, तो ये जो राजयोग है ये शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ कुछ दिन के लिए, लेकिन सूर्य के लिए अच्छा है, बुध के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आपके संतान भाव का स्वामी शुक्र है, धन भाव में है, और ये मंगल शुक्र के साथ तीसरे भाव में चला जाएगा। आपकी ऐसी जगह पर, टूरिज्म की जगह पर आपका घूमने का योग बनेगा, शनि आपके भाग्य स्थान पर है, वो आपका भाग्य उदय करते रहेंगे, और लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति है, तो आपको पत्नी के माध्यम से या पति के माध्यम से कैरियर में आपको इजाफा मिलेगा, आपको धन दौलत की सुविधाएं बनी रहेंगी। तो ओवरऑल ये कहूँ कि आपके लिए पहला जो 8 दिन है वो बहुत अच्छे हैं और लास्ट के जो 6 दिन हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, यानी 14 दिन आपके लिए ये बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने का योग बनता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और महीने की शुरुआत में नीच अवस्था में है, वैसे तो 13-14 डिग्री पर नीच अवस्था में रहेगा, तो महीने की शुरुआत में मानसिक तनाव रहेगा, पेट में तकलीफ रहेगी। आपके धन का स्वामी सूर्यदेव खर्च के घर में है, 17 जुलाई को आपके सिर पे आगे बैठ जाएंगे, तो पैसा जो खर्च हो रहा था वो आएगा। मंगलदेव योग कारक होकर के धन पर बैठे हैं, इंटेलिजेंस के लेवल लाजवाब रहेगा, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना है, ऑपरेशन अगर किसी ने बताया डॉक्टर ने तो आप उसका विधि विधान के साथ ऑपरेशन कराएं, लेकिन साथ में अच्छी डिलीवरी डेट निकलवा लें। यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन गुरु राहु की युति आपके दशम भाव के अंदर ये पॉजिटिव योग बना रही है। यहाँ पर बुध खर्च के घर में बैठा हुआ है, 8 जुलाई को निकल जाएगा, केंद्र में आ जाएगा, थोड़ा बलवान हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कहूँ कि बहुत कर्क राशि बहुत अच्छी नहीं है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि वृष राशि की अच्छी नहीं है, बाकी 2 राशियाँ बहुत अच्छी हैं। इन 4 राशियों में 2 राशियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगले एपिसोड में आपको
बाकी की चार राशियों की जानकारी दूंगा। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ और उसको आप नोट कर सकते हैं। ये मेरा दिल्ली का पता है। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-86090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।